सोशल फंडिंग की तरफ मैं गया, लोगों से जो सोसाइटी में कुछ लोग के पास थोड़े पैसे हैं उनसे छोटे छोटे अमाउंट में फंड्स लेकर किसी तरह वो स्टार्ट किया। बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ गुड फाइनेंशियल फैमिली, तो मेरे पास ऐसे कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, तो थोड़े थोड़े फंड्स लेकर स्टार्ट किया है। अभी उसी में जो हमारी अर्निंग है उसी को री इन्वेस्ट कर करके थोड़ा आगे बढ़े, बट वी आर लुकिंग फॉर फंड्स इन्वेस्टमेंट। इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड तो फ्यूचर सपोर्ट हमें दे सकते हैं, हम लोग ग्रो करेंगे। चूँकि एक और बात बताना चाहता हूँ, झारखंड जो स्टेट है हमारा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहते हैं। 80% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते हैं और उसमें से ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं वो इधर एग्रीकल्चर या फिर लेबर, डेली वेज लेबर के रूप में काम करते हैं, उनका वही है रोजी रोटी का साधन। और यहाँ के लोग एग्रीकल्चर में स्किल्ड हैं, रूरल एरिया के लोग स्पेशली। तो जब हम डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं लोगों की होती है, क्योंकि आपके पास अगर सही अमाउंट में अगर फॉडर है, ग्रीन फॉडर है, आपको अगर ड्राई फॉडर है, कंसनट्रेट फॉडर अगर मार्केट से परचेस कम करना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। सपोज आपको जैसे मैंने बताया 70% अगर आपका फॉडर का कॉस्ट है, अगर आप उसको 30% में ले आते हैं तो जो 40% आपके पास बचता है वो क्लियर मार्जिन है आपका प्रॉफिट का। तो ये चीज़ है, तो हमको लगता है चूँकि मेरा फोकस था थोड़ा मैं सोशल ही हूँ, तो मैं एक एन जी ओ भी रन करता हूँ सोशल डेवलपमेंट के लिए, इंडिजिनियस वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। तो मेरा शुरू से फोकस ये रहा था कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें यहाँ पर झारखंड स्टेट में, चूँकि यहाँ के लोग माइग्रेशन के बहुत ज़्यादा शिकार है। माइग्रेशन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से हर साल हज़ारों लाखों लोग बाहर जाते हैं, उनमें से बहुत सारी खास करके महिलाएं हमारे रूरल एरियाज की जो जाती हैं वो बहुत लौट के नहीं आ पाती हैं, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती है, उनको कहीं बेच दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से मेरे मन में ही आया था कि कुछ ऐसा बिजनेस सेटअप किया जाए जिससे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। तो अब तक तो यही एक्सपीरियंस है मेरा, और फिर मिलते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे।